भगवान राम की नगरी में बांग्लादेश में हिंदू मंदिर और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अब संत समाज मुखर हो गए हैं। आज संत समाज ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को जलाया और इसके खिलाफ ही बांग्लादेश की आर्मी के खिलाफ भी नारेबाजी की। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की जद में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत में शरण ले रखी है। बांग्लादेश में बसे हिंदू हिंसक के शिकार हो रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, जिसको लेकर अयोध्या के संत में खासा नाराजगी है। संत समाज अब मुखर हो चुका है और हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को आज जलाया गया है। संतों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ISI के साथ मिलकर बांग्लादेश के मुसलमान नर पिशाच हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र से अपील करते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर संयुक्त राष्ट्र इस मामले पर संज्ञान ले, नहीं तो भारत के 100 करोड़ हिंदू बांग्लादेश के लिए कुछ भी करेंगे। इसमें जो तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश की आर्मी ISIS के इशारे पर उपद्रवियों से मिलकर के हिंदू बेटियों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर रही है, हिंदुओं की दुकान लूट रही है, घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और वहां जो है हिंदू महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार, हिंदुओं की हत्या। इसलिए आज जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज लातों से कुचल करके मैंने जलाया है, और संयुक्त राष्ट्र से मेरा कहना है कि 24 घंटे के अंदर वहां की स्थिति पर कंट्रोल किया जाए, नहीं तो भारत अगर कुछ करेगा तो बाद में चिल्लाना नहीं, और वहां बांग्लादेश की औकात इतनी है कि एक मिनट में वहां की आर्मी धूल में मिल जाएगी। भारत सरकार से अपील है कि बांग्लादेश के हिंदू भारतीय हिंदू हैं, वहां उनको नेशनलिटी नहीं दी गई और यहां आने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनको मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। अगर भारत सरकार 24 घंटे में वहां एक्शन नहीं लेती है तो 100 करोड़ हिंदू बांग्लादेश जाएंगे, अस्त्र शस्त्र लेके जाएंगे और वहां उपद्रवियों को धूल मिलाएंगे। बांग्लादेश के मुल्ले सारे आतंकवादी हो गए हैं, और जो 3 करोड़ यहां भारत में घुसपैठ करके बांग्लादेशी मुल्ले पड़े हुए हैं, इनको लात मार के जल्दी बांग्लादेश भगाया जाए, नहीं तो अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।